हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा धूमधाम से निकाली जाती है। इस यात्रा में देश विदेश से लोग शामिल होने पहुंचते हैं। भक्तों के बीच इस यात्रा को लेकर अलग ही उत्साह और उल्लास देखने को मिलता है। इस साल 20 जून यानी आज से यह रथ यात्रा शुरू हो रही है। इस बार भगवान जगन्नाथ की 146वीं रथ यात्रा निकाली जा रही है। ओडिशा के पुरी शहर में लाखों लोगों की भीड़ पहुंच चुकी है। वहीं राजधानी रांची में भी जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाएगी। रथ यात्रा को लेकर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के धुरवा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर पहुंचे। इस दौरान महाप्रभु का रथ खींचते हुए समस्त झारखंड वासियों को भक्ति एवं समर्पण का पर्व रथ यात्रा की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इससे पूर्व राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र बहन सुभद्रा की विधिवत पूजा अर्चना कर झारखंड वासियों की सुख समृद्धि शांति खुशहाली तथा प्रगति की प्रार्थना की। इस अवसर पर सांसद संजय सेठ, विधायक नवीन जायसवाल सहित अन्य श्रद्धालु काफी संख्या में उपस्थित थे। यात्रा आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को प्रतिवर्ष होता है। इस वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया 20 जून को पड़ा है। उस दिन भगवान का पूजा और अन्नभोग 4 बजे ही हो जाएगा और 5 बजे तक भगवान पुनः प्रातः 5 बजे सर्व दर्शन शुरू हो जाएगा। हर एक श्रद्धालु के साथ भगवान का दर्शन कर सकते हैं। ओम सत्य धर्म पराक्रमाय नमः। ओम भूत भव्य भवन्नाथाय नमः। ओम भूत भव्य भवन्नाथाय नमः। ओम पवनाय नमः। ओम पवनाय नमः। ओम पावनाय नमः। ओम पावनाय नमः। ओम अनलाय नमः। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।